हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल इंडियन डॉग्स एंड हॉर्स। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार पपी लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी ब्रीड के, बहुत ही अच्छी नस्ल के पपी आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो में पूरे इस पपी की पूरी डिटेल्स दे रखी है हमने, ओनर के नंबर सब कुछ है। आप पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, हम आपके लिए शेडजू मेल एंड फीमेल पपी लेकर आए हैं। ये टॉप क्वालिटी के शेडजू मेल एंड फीमेल पपी दोनों हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेडजू आकार में छोटे होते हैं और अपने स्वतंत्र स्वभाव के कारण ये किसी भी वातावरण में आसानी से ढल सकते हैं। ये किसी भी वातावरण में आसानी से रह सकते हैं। आप इन्हें कहीं भी लेकर जा सकते हैं अपने साथ में, वह आसानी से वहाँ पर रह सकते हैं। शेडजू ब्रीड के डॉग बहुत ही आज्ञाकारी डॉग होते हैं, इसीलिए इनको आज्ञाकारी नस्ल भी कहा जाता है। और दोस्तों, शेडजू दुनिया की 15 सबसे पुरानी नस्लों में एक है। और ऐसा भी माना जाता है कि शेडजू बहुत ही शांत पपी है। यह कुत्ते बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए, घर में पालने के लिए अगर कोई डॉग बाय करना चाहते हैं तो यह डॉग सबसे बेस्ट है, मेरा मानना है कि। और आप अभी इस ऊपर चल रहे वीडियो में देख रहे हैं, यह शेडजू मेल एंड फीमेल पपी वाइट कलर में हमारे पास अवेलेबल है। इस नस्ल के पपी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय पपी होते हैं, क्योंकि उनका आकार भी छोटा होता है, इनको संभालना भी आसान होता है। और दोस्तों, इस नस्ल के कुत्तों के पाँव छोटे होते हैं और बाल बहुत ही नरम और मुलायम बाल होते हैं। लोकेशन की बात करें तो यह डॉग अभी दिल्ली में अवेलेबल है। हमने ओनर के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ऑनर से बात कर लें। प्राइस की बात करें तो ऑनर ने कहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेंगे, प्राइस ओनर ने एग्जैक्ट बताया नहीं है। आप ओनर से बात कर लें, हमने ओनर के नंबर दे रखे हैं। और मेरा मानना है कि आप वहाँ पर जाकर देख परख कर ही इस पपी को बाय करें। थैंक यू, वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।